नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर दिन अपने आप में खास होता है और हर दिन का अपना महत्व होता है, जिसके चलते आइए जानते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में कौन सी घटनाएं दर्ज है। समाज में महिलाओं को अपना अधिकार पाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ी है, चाहे वो पढ़ने लिखने का अधिकार हो या फिर मतदान करने का अधिकार। इस अधिकार प्राप्ति की लड़ाई में कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी है। लोकतंत्र के आगमन के साथ शुरू में दुनिया भर में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे बदलते समय के साथ कई देशों ने महिलाओं को अपने पसंद का नेता चुनने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को लेकर पहले समाज की सोच इतनी ज्यादा रूढ़िवादी थी कि अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों ने भी शुरुआत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। हालांकि इस मामले में भारत अन्य देशों से आगे है। यहाँ पर आजादी के बाद से संविधान में महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया और वो भी बराबरी के साथ। महिलाओं को वोट देने के अधिकार के मामले में फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया उपनिवेश और पश्चिमी अमेरिका राज्य में आगे है, जहां 19वीं सदी के अंत में महिलाओं को समिति मतदान का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को मतदान करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार गठबंधन का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है। इसी के तहत फ्रांस में 5 अक्टूबर 1944 को महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया। कहते हैं कि शिक्षक वो जरिया होता है जो शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, पर आज शायद विश्व में शिक्षक और शिष्य के रिश्ते में दूरी आ गई है। आज शिक्षक का महत्व शिक्षक की नजरों में बहुत कम और शिक्षक भी शिष्य की नींव मजबूत करने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन 5 अक्टूबर को होता है। हम सब जानते हैं कि हम अपने महान शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि इसे मनाने के लिए यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1967 में ही मसौदे को मंजूरी दी थी, लेकिन इसे 5 अक्टूबर 1994 को स्वीकार किया गया। इसलिए विश्व भर में शिक्षकों को सम्मान और उन्हें मान्यता देने के लिए दुनिया भर में आयोजन किए जाते हैं। साथ ही यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समाज द्वारा स्टूडेंट्स के विकास में शिक्षकों के योगदान को बेहतर तरीके से समझने के लिए अभियान चलाया जाता है। इसके लिए यूनेस्को कई गैर सरकारी संस्था और मीडिया संस्थानों से भी साझेदारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का उद्देश्य विश्व के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। इस दिन शिक्षण और शिक्षकों के मूलभूत मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा इस दिन विश्व को शिक्षकों की जिम्मेदारी, उनके अधिकार और आगे की शिक्षा के लिए उनकी तैयारी और मानक को महत्व दिया जाता है। जब हम बात करें आज के दिन जन्मे लोगों की, तो आज के दिन 1902 में जन्म हुआ था रिक क्रॉक का, जो 52 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स से जुड़े और फिर उन्होंने कामयाबी की मिसाल कायम की। मन में जज्बा हो तो उम्र कभी भी कामयाबी में बाधा नहीं होती है। रिक रॉक की गिनती भी ऐसे ही लोगों में की जाती है। वे 52 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स से जुड़े और फिर उन्होंने कामयाबी की मिसाल कायम की। वैसे मैकडॉनल्ड्स की कहानी 40 के दशक से शुरू हुई थी, लेकिन रिक रॉक वो शख्स है जिसने इसे दुनिया भर में फेमस किया। हालांकि अब वे इस दुनिया में नहीं है। 1902 में जन्मे रिक रॉक का बचपन भी संघर्ष में ही बीता। उनके पिता की कमाई खास नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मात्र 15 की उम्र में ही वे एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए, ताकि घर खर्च में हाथ बटा सके। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर वो काम किया जिससे रुपए कमाए जा सके। आज के दिन 20वीं सदी के महान आविष्कारों में गिने जाने वाले स्टीव जॉब्स का 2011 में निधन हुआ। इसी दिन पैनक्रियास कैंसर से जूझते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंगर स्टे फुलिश दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी।
BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।